हाय एवरीवन, हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गाइस आज नए दिन के साथ। तो गाइस, सबसे पहले आप सबका मेरे चैनल पहाड़ी रोवर्स में स्वागत है। मानो वेलकम करो। वेलकम। तो इस कड़कड़ाती धूप में हम आज निकले हैं। आज छुट्टी का दिन है, संडे है यहाँ पे। तो इस कड़कड़ाती धूप में हम निकल पड़े हैं मंदिर जाने के लिए। तो हमने आज पूरा इंडियन अटायर धारण कर लिया है और हम निकले हैं मंदिर जाने के लिए। वो भी बड़ा वाला मंदिर। पहली बार हम आज आपको दर्शन कराने वाले दुबई के बड़े वाले टेंपल की। हम जबल अली में है, तो जबल अली के मंदिर में आज हमको आपको ले चलते हैं हम। ठीक है, तो बने रहिए। हमारी सवारी गाड़ी तैयार हो चुकी है। थोड़ा एसी चलने दो, धूप में गाड़ी खड़ी थी इतनी देर से। रेडी? अच्छा, अभी ड्राइवर गाड़ी की सफाई कर रहे हैं और सवारियां डट चुकी है यात्रा पे जाने के लिए। ठीक है, बद्रीनाथ की यात्रा। ड्राइवर साहब, गाड़ी रेडी? यस मैडम, प्लीज कम। तो चलिए हम अंदर बैठते हैं, एसी चल चुका है। सवारी तैयार है। ये जय माता दी। चलिए भाई, यात्रा शुरू करते हैं जबल अली के मंदिर की। तो चलिए मिलते हैं, फिर आगे आगे आपको बढ़ाते हैं। लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो चलिए पहले तो पार्किंग ढूंढते। अच्छा, इसके अंदर पार्क नहीं करते? फुल है, अंदर फुल है बाबा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर, ये गए हैं पार्किंग करने के लिए और हम देखते हैं कहां से अंदर जाना है। मामा पार्किंग है, बहुत धूप है रे। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट्स पहन के अलाउ नहीं है, अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो धोती पहन के जाना पड़ेगा, नहीं तो देखा धोती पहन के जाएंगे अभी। तो आपको शॉर्ट्स पहन के नहीं आना है। ध्यान Now daddy looks more handsome or no? He has to wear also. Now he is teaching. Yes, he has to wear shorts. Yeah. 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 At 7:30 p.m. we have a aarti, okay? You just come in. Huh? कोई मेंटेन करने के लिए जैसे
ओवर है, आगे स्टेज है, ठीक है। शायद भाटिया फैमिली का कुछ फंक्शन चल रहा है तो वहाँ पे उन्हीं का टीम है, ठीक है। बाकी हम ऐसे अंदर आ रखे हैं। तो अभी हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं जो हमें मंदिर का प्रसाद मिला है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे किधर, कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारा, क्योंकि बगल में ही गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में मिलता है प्रसाद यानी खाना। तो लंच, मतलब लंच नहीं बोलेंगे, गुरुद्वारे का जो प्रसाद होता है हम वहीं खाने जाएंगे आज, ठीक है। तो एप्पल खाने के बाद हम वहीं जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत बना है मंदिर, बहुत मज़ा आया अंदर। हालांकि मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में ही ज़्यादा टाइम, विवान चल, तो अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। मानो कैसा लगा आपको? अबू धाबी में इससे और बड़ा मंदिर बनेगा। बहुत भीड़ है आज, बट अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए भगवान जी के दर्शन करिए। जबल अली आए और गुरुद्वारे में ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हम पहले यहाँ पे शारजा से सिर्फ गुरुद्वारे के लिए आया करते थे, लेकिन अब हम लोग मंदिर भी के दर्शन करेंगे और गुरुद्वारे। हमारा मंदिर है और ये सामने बगल वाला गुरुद्वारा है, और ये हमारे पीछे यहाँ पे चर्च है, और मस्जिद तो हर जगह है। हाँ, डबल डबल यहाँ पे भी शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, इनको फिर से पकड़ लिया। गुरुद्वारे का जो हलवा होता है ना, उसकी खुशबू ना पूरी, मुझे लग रहा है जबल अली में पूरी घूम रही है। तो गुरुद्वारे का जो हलवा है वो खींच लाया है हमें यहाँ तक। सुपर हलवा, यमी है। चलो पहले दर्शन कर ले, रुक जा, ऊपर नहीं है, यही है। तो अभी हम लोग जा रहे लंगर के लिए, लंगर खाने के लिए, वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं होता है। तो प्रसाद खाने के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब सबसे पहले तो गुरुद्वारे के सारे लोगों का, गुरुद्वारे के जितने भी जो सेवादार है, हैट्स ऑफ टू देम। माय गॉड, इतने दिल से और इतने जी जान से ये लोग सेवा करते हैं वहाँ पे, किसी को खाली पेट, मतलब खाली पेट नहीं जाने देते। बहुत ही, अभी हम धूप में गाड़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, और गाड़ी हमारी बहुत दूर पार्क है। तो अभी हम धूप और पथरीले रास्तों से होके, बच्चों को भी इतनी भूख लगी थी। चलो, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक ठाक रहा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ चलते हैं। अब ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, रुको, अभी चल रहा है। घुमक्कड़ कंपनी आ गई अभी आइकिया में, भाई खाना पचाने के लिए हम लोग आइकिया में आ गए। क्योंकि हमें आ रही थी नींद, अगर हम घर की तरफ बढ़ते तो घर जाके हमने सोना था, और सोएंगे तो फिर उठेंगे सीधे 6 बजे, कल बच्चों का स्कूल है तो उनको सीधा रात को ही सुनाएंगे हम। तो इसलिए हमने थोड़ा आइकिया में थोड़ा सा घूम के आते हैं, देख के आते हैं आइकिया में नया नया क्या माल आया है। क्या क्या माल आया है नया, तो इसलिए हम आइकिया की तरफ मुड़े हैं, और कल वापस से अपना नया रूटीन, मतलब वही रूटीन चालू हो जाएगा। तो चलिए आइकिया में देखते हैं क्या क्या मिलता है। आइकिया में बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आएगा। अब पता नहीं कवर कर घुसना पागलपंती है। एक बार आप आईके में घुस गए ना, तो बाहर आते आते ना आप पागल हो जाओगे।
तो अब हम पगला चुके हैं बाहर आके। बहुत जल्दी है नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, बाय करो।